नमस्कार, मेरा नाम है रोशन विश्वकर्मा और स्वागत है आपका इंडिया खबर लाइव पर। क्या भारत चीन के बीच फिर से युद्ध होने वाला है? क्या चीन अभी भी अपनी विस्तारवादी नीतियों से बाज नहीं आया? भारत ने LAC पर 2,00,000 से ज्यादा सैनिक तैनात कर दिए हैं और इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह LAC के दौरे पर है। क्या भारत और चीन के बीच फिर से युद्ध होने की संभावना है? आइए जानते हैं इंडिया खबर लाइव की खास रिपोर्ट। भारत चीन के बीच चल रहे तनाव को लेकर एक बड़ी खबर है। भारत ने पिछले कुछ महीनों में चीनी सीमा से सटे 3 अलग अलग इलाकों में सैन्य टुकड़ियों और विमानों को तैनात किया है। भारत चीन के बीच जारी तनाव के बीच 50,000 सैनिकों को सीमा पर भेजा है। ड्रैगन की विस्तारवादी नीति पर लगाम कसने और चीनी सीमा पर कड़ी निगरानी के लिए भारत ने करीब 2,00,000 सैनिकों को तैनात कर लिया है, जो पिछले साल के मुकाबले 40% ज्यादा है। साथ ही साथ लड़ाकू विमानों को भी हाई अलर्ट पर रखा है। हालांकि भारतीय सेना और प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने इस संबंध में पूछे गए सवाल पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जब पिछले वर्ष 15 जून को पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों ने धोखे से हमारे भारतीय सैनिकों पर हमला बोल दिया, तब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के साथ साथ चीनी सीमा पर भी निगरानी तेज कर दी। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के सरकार के फैसले के पीछे प्राथमिक कारणों के रूप में आतंकवाद व सामाजिक और आर्थिक विकास की कमी का हवाला दिया और रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद आतंकवाद की घटनाओं में कमी आई है। क्या चीनी सेना अब बाज आ पाएगी या नहीं? और जानकारी के लिए देखते रहिए इंडिया खबर लाइव।